class of crystalline solids is metallic solids. Metallic solids are made up of metal atoms which are held together by metallic bonds. किससे बनेंगे metallic solids? Metal atoms. ये metal atoms एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े होते हैं? Through metallic bonds. अब ये metallic bonds exactly क्या होता है? Let us consider the example of sodium. Tell me the configuration of sodium. Electronic configuration of sodium is neon 3s1. अब आपने पढ़ा है कि metals की density काफी ज्यादा होती है. Metals have high density. और density खूब ज्यादा होने के कारण obviously in metals में atoms are closely packed. एटम्स क्लोजली पैक रहेंगे मतलब ये एनर्जी लेवल्स जो होती है दीज आर ऑल्सो क्लोजली पैक्ड. एनर्जी लेवल क्लोजली पैक्ड होने के कारण क्या होगा? अब देखो जरा, दिस इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच इज लूजली एंड. ये कैसा इलेक्ट्रॉन रहता है, क्या कहलाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच इज लूजली हेड. जिसके कारण क्या होगा कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही एटम से जुड़ा हुआ न रहते हुए दूसरे किसी भी एडजेसेंट एटम्स में जा सकता है. फॉर एग्जांपल, समझो हमने ये पहला सोडियम एटम लिया, ये दूसरा सोडियम एटम, थर्ड सोडियम एटम, ये इस सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से हम डिपिक्ट करेंगे. ये नेक्स्ट सोडियम एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सोडियम एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अब देखिए, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ इसी एटम से जुड़ा हुआ न रहते हुए वो दूसरे किसी भी एटम में जा सकता है, जिसके कारण हम इस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं फ्री और मोबाइल और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन. क्या कहेंगे हम इलेक्ट्रॉन्स को? फ्री और मोबाइल और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स. क्यों कहेंगे? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एटम से जुड़े हुए ना रहते हुए पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में मूव होते हैं. अब ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से निकलने के कारण दिस एटम गेट्स कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव आयन, जिसको हम कहते हैं मेटलिक कर्नल. एटम से वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद उसका रूपांतर पॉजिटिव आयन में होता है एंड दिस पॉजिटिव आयन इज नोन एज मेटलिक कर्नल. अब यहाँ ये इलेक्ट्रॉन्स पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में घूमने के कारण क्या होगा? यहाँ हमें ऐसे कई सारे निगेटिव चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देते हैं. लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ वहां घूमते रहते हैं, इसलिए हम इसको सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. क्या कहेंगे? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. खूब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में मूव होते रहते हैं, इसीलिए इनको नाम दिया है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब आपको दिख रहा मेटलिक कर्नल पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव. इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव. इसलिए इन दोनों में कौन सा अट्रैक्शन एग्जिस्ट होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. एंड दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटलिक कर्नल एंड सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज मेटलिक बॉन्ड. ये जो अट्रैक्शन रहेगा बिटवीन मेटलिक कर्नल एंड सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन आर नोन एज मेटलिक बॉन्ड्स. देयरफॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कर्नल एंड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज मेटलिक बॉन्ड. दिस बॉन्ड इज क्वाइट स्ट्रॉन्गर देन आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड्स. मेटलिक बॉन्ड कैसे रहता है? स्ट्रॉन्गर दैन आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड. उसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है ऑफ मेटलिक सॉलिड्स. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कौन सी रहेगी? तो दे आर मैलेबल. मतलब क्या होता है? तो इनको हम शीट्स में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, हम गोल्ड लेते हैं.
गोल्ड का एक ग्राम भी अगर आप लेते हो तो इस एक ग्राम गोल्ड की मदद से हम 1 मीटर बाय 1 मीटर का शीट बना सकते हैं। इसलिए कहा जाता कि गोल्ड इज हाईली मेलेबल मेटल। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटलिक सॉलिड्स इज दे आर हाईली मेलेबल, दैट मींस दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स। सेकंड, दे आर डक्टाइल, मतलब क्या होगा, दे कैन बी स्ट्रेच्ड इनटू वायर्स। डक्टाइल का मतलब क्या होगा, इनको हम वायर्स में आसानी से रूपांतरित कर सकते हैं। एंड थर्ड है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड एग्जांपल सोडियम, कैल्शियम, कॉपर, एल्युमिनियम एक्सेट्रा। सो दिस वॉज अबाउट द मेटलिक सॉलिड्स। वंस अगेन रिपीटिंग हियर, मेटलिक सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ मेटल एटम्स which are held together by metallic bonds. In metals, atoms are closely packed, जिसके कारण एनर्जी लेवल्स भी कैसे रहेगी, क्लोजली पैक रहेगी। मेटल्स में ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे, which is loosely held. ये इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होने के कारण क्या होगा, वो सिर्फ एक ही एटम से जुड़ा हुआ न रहते हुए पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे मूव होता है। पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे मूव होने के कारण इस इलेक्ट्रॉन को कहा गया है फ्री और मोबाइल और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसे कई सारे इलेक्ट्रॉन्स इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में होते हैं, इसलिए इनको कलेक्टिवली नाम दिया है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन निकल जाने के कारण एटम का रूपांतर पॉजिटिव आयन में होता है, जिसको हम कहते हैं कर्नल। अब ये कर्नल और ये इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता, जिसको भी नाम दिया गया मेटलिक बॉन्ड। Therefore, the electrostatic force of attraction between kernel and sea of electrons, is known as metallic bond. This bond is stronger than ionic or covalent bond. कुछ characteristics यहाँ दी हैं। पहला, metals are और मेटलिक सॉलिड्स आर हाईली मैलेबल, मींस दे कैन बी हैमर्ड इनटू शीट्स। दूसरा, दे आर डक्टाइल, दैट मींस दे कैन बी स्ट्रेच्ड इनटू वायर्स। थर्ड, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड ऑल दीज प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स आर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल्स कौन से रहेंगे, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर एक्सेट्रा।